हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकचक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इस पेपर की शुरुआत इसी साल से हुई है, यानी कि 2022 से ही हो रही है। मेरिट के हिसाब से हो रहे एडमिशन की वजह से कई छात्रों को मनचाहा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पाता था, इसलिए UGC ने एंट्रेंस एग्जाम लाया है, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट पेपर पास करके अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, स्कूल पास करने के बाद सभी स्टूडेंट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। हमारे देश में कई तरह के कॉलेज हैं, उन्हीं में से कुछ प्राइवेट, कुछ सरकारी कॉलेज तो कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पहले अधिकतर यूनिवर्सिटीज में उसके अलग अलग फॉर्म आते थे, जिसको भर के कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता था। वहीं उस समय स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से मेरिट बनता था, जिसके बाद कई स्टूडेंट 12th में कम नंबर पाने की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से अब UGC ने CUET पेपर कराने का निर्णय लिया है। तो आज हम इस वीडियो में इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले CUET क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, इसके बाद क्या करें और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें, इतने सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं CUET क्या है। दोस्तों, CUET एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पास करके कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। इसका पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। इसको पास करने वाला स्टूडेंट भारत के तकरीबन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के योग्य माना जाएगा। हालांकि पहले इसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं होते थे, कई बड़े विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं अलग से आयोजित कराते थे। इसके बाद CUET में सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया गया। आने वाले समय में कई निजी और राज्य विश्वविद्यालय भी इस परीक्षा से जुड़ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। CUET पेपर देने का विचार बना रहे हैं तो आपको बता दें कि ये वही छात्र दे सकते हैं जो किसी भी स्ट्रीम से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हों, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार का एंट्रेंस पेपर है, तो इसमें एज की बाधाएँ नहीं है, मतलब आप कितनी भी उम्र तक इसे भर सकते हैं, बस आप 12th पास होने चाहिए। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब आता है। दोस्तों, इस साल से ही UGC की तरफ से शुरू की गई इस प्रक्रिया का फॉर्म अप्रैल महीने में आया है, तो अनुमान है कि हर साल अप्रैल महीने के शुरुआत में इसका फॉर्म आ जाएगा, जिसको भर के आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। दोस्तों, CUET का फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल और OBC से हैं तो आपको तकरीबन ₹650 लगेंगे। वहीं SC वर्ग के छात्रों को ₹600 और ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹550 लगेंगे, क्योंकि इतना इस फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी है। वहीं विदेशी छात्रों के लिए एप्लीकेशन फ़ी ₹3000 लगता है। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसमें सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। CUET का पेपर 3 भागों में आता है। पहले सेक्शन में 2 सेक्शन को अलग किया गया है। पहले में किसी राष्ट्रीय लैंग्वेज को चुन सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश। वहीं दूसरे सेक्शन में किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज जैसे मराठी, अवधी आदि को चुना जा सकता है। लैंग्वेज टेस्ट के दोनों सेक्शनों में तकरीबन 13 भाषाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इन 13 में से किसी एक पसंदीदा लैंग्वेज को सिलेक्ट करके स्टूडेंट पूछे गए सवालों का जवाब दे सकता है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन होते हैं। वहीं दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी 50 सवाल आते हैं। आखिरी सेक्शन जनरल टेस्ट का होता है, इसके 75 सवाल होते हैं।
सभी सवालों के लिए छात्र को 5 नंबर दिए जाते हैं। अगर कोई भी सवाल गलत होता है तो उसके लिए 1 अंक माइनस कर दिया जाता है। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों सीईटी का पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपके लैंग्वेज की परीक्षा ली जाती है। इसके लिए आपको अपने पसंदीदा लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है। इसमें आप अपनी 12वीं के स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। 12वीं के NCERT से सवाल अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट का NCERT जोड़ पढ़ लें। आखिरी सेक्शन में जनरल टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए आपको जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो भारत में तकरीबन 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर CET पास करने वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। तो आइए जानते हैं टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर CET पेपर पास करने वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। अब जानते हैं इसके बाद क्या करें। CET पेपर के बाद क्या करें ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पेपर को पास करने के बाद आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर किसी को आगे पढ़ना है तो वो मास्टर्स कोर्स भी कर सकता है। इसके बाद लास्ट में जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट में 1 सेक्शन भाषा का होता है। भाषा के पेपर में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, इसलिए अभी से ही जिन भाषाओं का टेस्ट देने वाले हैं उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। डोमेन स्पेसिफिक विषय में आपके सभी क्वेश्चन 12वीं के NCERT से आएगी, इसलिए NCERT को अच्छे से समझ कर पढ़ें। NCERT की बुक अगर समझने में दिक्कत हो तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसके साथ अन्य स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको NCERT की फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है तो आप SC वर्मा की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इसमें फिजिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी आसान तरीके से समझाया गया है। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो YouTube से उसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में YouTube पर अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।